सब्सक्राइब कर लें 5G एजुकेटर्स YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे सबसे पहले। तो गाइस सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने सिंपली एक एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेनी है। एप्लीकेशन मैं आपको दिखा देता हूँ प्ले स्टोर से, इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में रख दिया है। एप्लीकेशन का नाम है वो माइक, ये एप्लीकेशन है, ये सिंपली आपने इंस्टॉल कर लेनी है। मैंने इंस्टॉल की हुई है। इसी तरह मैं आपको एक लिंक और डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वो है हमारे पास वो माइक क्लाइंट, यानी कि वो माइक फॉर PC। ये देखिए क्लाइंट, ये है, आपने डाउनलोड कर लेना है। इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में रखा हुआ है, ये PC के लिए होता है। आपने ये भी एक एप्लीकेशन आपने जो अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लिया, क्लाइंट जो है आपने इसको इंस्टॉल कर लिया अपने PC पर। अब मैं मोबाइल पर इसको ओपन करता हूँ, ये मेरे पास व्यू आ जाएगा। अब हम इसको PC पे भी ओपन करते हैं, हम अपने मोबाइल को एज अ माइक यूज़ करेंगे अपने PC के लिए, अपने लैपटॉप के लिए। तो ये देखें, सबसे पहले हमारे पास ये व्यू आ गया। यहाँ पर आपने क्या करना है कि आपके पास तीन मेथड हैं। ये देखें, कनेक्शन पर हम जाएँ PC पर, ये PC मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस साइड पर लेके आ जाता हूँ। यहाँ पे कनेक्ट पर क्लिक करें तो हमारे पास कितने मेथड हैं, चार मेथड हैं। एक हमारे पास है ब्लूटूथ, दूसरा है USB, तीसरा ये देखिए इस पर उन्होंने लिखा हुआ USB केबल के ज़रिए कनेक्ट करें और डीबगिंग जो है इसको ओपन कर दें। USB डीबगिंग तो आपका ये हो जाएगा। वाईफाई के ज़रिए सेम वाईफाई होनी चाहिए, ठीक है, उसमें IP एड्रेस सर्वर ये आपने लिख लेना। इसके बाद वाईफाई डायरेक्ट, ठीक है, ये हमारे पास चार मेथड है। इनको आप तीन वालों को यूज़ कर लें, ये USB तो बहुत ईजी है, ये भी आप कर लें, ठीक है, वाईफाई और ये भी ट्राई कर लीजिएगा। मैं आपको ब्लूटूथ से करके दिखाता हूँ। आपने क्या करना है कि आपने अपना जो मोबाइल है इस पर आपने ब्लूटूथ को ओपन कर लेना है। मैंने जैसे ही ब्लूटूथ को ओपन किया तो हमारे पास ये आ गया। अब आपने PC पे भी अपने ब्लूटूथ को ओपन करें, ये देखें मैं PC पे भी चला जाता हूँ, ये पेड है मेरी डिवाइस, ये देखें इनोसेंट ने आपने दोनों मोबाइल और PC पर दोनों पर आपने ब्लूटूथ को ओपन किया, आप उसमें पेयर किया। अब आपने करना है मोबाइल स्क्रीन पर देखें, ये सेटिंग्स के पास एक प्लस ये पॉज का साइन बना हुआ है, पॉज के साइन को आपने प्रेस करना है। तो हमारे पास ये देखें स्टार्टर लिखा आ गया, प्लीज़ कनेक्ट बाय ब्लूटूथ। अब आपने PC पे आना है, पहले मोबाइल पे, फिर आपने PC पे, यहाँ पे कनेक्ट पर क्लिक करें। यहाँ से आपने जो डिवाइस, यानी कि कोई भी जो ब्लूटूथ डिवाइस जिस पर आप कनेक्ट करना चाह रहे हैं, इसको आपने क्या करना है, ओके करना है। ये कनेक्टिंग, ये हमारे पास कनेक्टेड हमारा, तो आपने ब्लूटूथ से दोनों डिवाइसेस को कनेक्ट कर लिया है। हमारा वो माइक जो है एक दूसरे स्ट्रीमिंग कर रहा है, ये लिखें देखें ऊपर लिखा आ रहा है वो माइक स्ट्रीमिंग, ठीक है। तो अब हम इसको जूम में करके देखते हैं। जूम को सिंपली आपने ओपन कर लेना है, हमारे पास ये जूम ओपन होगी। मैं अभी अपना कैम ऑफ करके आपको मीटिंग एक स्टार्ट करके दिखाता हूँ और उसमें अपना माइक जो है उसको किस तरह एक्सेस करना है वो करके दिखा देता हूँ। न्यू मीटिंग पर आपने क्लिक करनी है, लैपटॉप पर आप कर रहे हैं ये, ठीक है, ठीक है। अब हम इसको करते हैं किस तरह हम अपना जो माइक्रोफोन है मोबाइल का उसको एज अ माइक एक्सेस करेंगे। यहाँ से आपने ये देखें नीचे यू आर यूजिंग कंप्यूटर ऑडियो, यहाँ से आपने नीचे ये देखें एक वीडियो का है और एक ऑडियो का साइन है। यहाँ पे आपने क्या करना है, इस एरो पर क्लिक करनी है और ऊपर लिखा हुआ है सिलेक्ट अ माइक्रोफोन, आपने क्या करना है माइक्रोफोन वो माइक डिवाइस कर लेना है। अब आपका जो मोबाइल है उसमें आप बोलेंगे और आपकी आवाज़ जो है वो इसमें कैप्चर होती जाएगी। तो इसको अभी मैं एंड करता हूँ। अभी किस तरह हम इसको गूगल क्रोम में यूज़ करेंगे वो भी हम देख लेते हैं। गूगल क्रोम को सिंपली ओपन करना है, गूगल क्रोम में एक सेटिंग हमने चेंज करनी होती है। आपने क्या करना है कि सेटिंग्स में चले जाना है, सबसे पहले कहाँ जाना है, सेटिंग्स में जाना है। यहाँ पे सेटिंग्स में जाने के बाद आपने यहाँ पे देखना है लिखा हुआ है प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, आपने प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी पर क्लिक की। अब हमारे पास इधर ये देखें प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी टैब में हमारे पास साइट सेटिंग्स हैं, क्लियर ब्राउजिंग डाटा, ये आपने नहीं करना, साइट सेटिंग्स पर आपने क्लिक करनी है। यहाँ पे हमारे पास ये नीचे तमाम चीज़ें जो परमिशंस वगैरह हैं वो यहाँ पे आ गई हैं। अब यहाँ पे आपने क्या करना है कि यहाँ कैमरा है और यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है माइक्रोफोन, आपने माइक्रोफोन के बाद प्रेस के ऊपर जाके एरो पर क्लिक करनी है। यहाँ पे हमारे पास ये देखें माइक्रोफोन कौन सा आ रहा है, हाई डेफिनेशन ऑडियो, आपने इसको क्या करना है वो माइक डिफ़ॉल्ट, यानी कि माइक्रोफोन वो माइक डिवाइस आपने ये सिलेक्ट कर लेना है। अब आपका जो गूगल क्रोम में कोई भी एप्लीकेशन, यूट्यूब में बेशक आप बोलें, आप फेसबुक, स्काइप, गूगल मीट या कोई भी जूम को यहाँ पे, जूम को वेब पे ओपन कर लें, तो आप कोई भी जो एप्लीकेशन जो यहाँ पे यूज़ करेंगे गूगल क्रोम में, उसमें आपका जो माइक है वो अब आपका मोबाइल है। तो इस तरह आप अपने मोबाइल को एज अ माइक यूज़ कर सकते हैं, एज अ माइक्रोफोन यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो थी, बहुत ही अच्छी वीडियो थी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, अल्लाह हाफिज़।